मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। यही वजह है कि कांगड़ा धर्मशाला की किसी भी स्तर पर अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसे मान सम्मान और स्वाभिमान में प्रदेश में किसी भी स्तर पर कम नहीं आंका जा सकता। अपने कांगड़ा दौरे के दौरान विपक्ष के नेताओं द्वारा धर्मशाला को दूसरी राजधानी के दर्जे को लेकर अपना मत स्पष्ट करने के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरी मुखरता के साथ विपक्ष के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कह दिया है कि विपक्ष ऐसे सवाल तभी उठा सकता था जब उन्होंने उनके लिए कोई मार्गदर्शन वाला कार्य किया होता। बावजूद इसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वो स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि धर्मशाला प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे भूगोलिक नजरिए से हो, पर्यटन की दृष्टि से या फिर अन्य कारणों से, धर्मशाला और कांगड़ा को किसी भी स्तर पर हिमाचल में कम नहीं आंका जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है, इसे मान सम्मान और स्वाभिमान में प्रदेश में किसी भी स्तर पर कम नहीं आंका जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये हर लिहाज से ऊंचा है, यहाँ का सहयोग हर लिहाज से सूबे को परिपक्व बनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यही वजह है कि कांगड़ा धर्मशाला की किसी भी स्तर पर अनदेखी नहीं की जा सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि स्थिति उनको भी स्पष्ट करनी चाहिए कि उनके दौरान क्या था। अगर कोई उन्होंने ऐसा किया होता, कोई काम ऐसा किया होता जो हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में होता। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, धर्मशाला प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है, हर दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की दृष्टि से इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और उसके साथ साथ में बड़ा जिला प्रदेश का सबसे बड़ा कांगड़ा है, और उस दृष्टि से जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, जो सम्मान, जो स्वाभिमान धर्मशाला और कांगड़ा जिला का जो है, वो हिमाचल की राजनीति में बहुत ऊंचा है। उस दृष्टि से जो भी सम्मान और इसकी बात आती है, सहयोग की बात आती है, उसमें कहीं भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होती। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।